शब्द बताओ, सुनिएगा ध्यान से इसको, शब्द बताओ कहना क्या है, शब्द बताओ कहना क्या है, शब्द बताओ गहना ग्रहण करना क्या है, मेरा तुम्हें तुम्हारा मुझे उलहना क्या है, शब्द बताओ कहना क्यों है, शब्द बताओ सहना क्यों है, तुमने हमको हमने तुमको पहना क्यों है, शब्द से ही कह रहा है, तुमने हमको और हमने तुमको पहना क्या, ये भी शब्द बताओ। अगली एक बचपन के अनुभव की कविता है। जी देखिए जब तक, जब आप कविता लिखना खाली एक ऑर्नामेंटेशन नहीं है, श्रृंगार नहीं है, वो आदमी के जीने की ऐसी जरूरत है जो और किसी तरह से पूरी नहीं हो सकती। कविता जी लिख के ही आपको अपने मन की माया समझ में आती है, कविता लिख के ही आपको अपनी मन स्थितियों पर नियंत्रण हासिल होता है। इमोशनल मैच्योरिटी जो है वो ज्यादा जरूरी चीज है, इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी से ज्यादा जरूरी, ज्यादा फंडामेंटल, ज्यादा आधारभूत जरूरत है वो मनुष्य की। तो जी कथा इस कविता का शीर्षक है, खुला घर है, एक साकल भर लगी है, लौट आएगी अभी माँ, वह गई है कथा सुनने यही ठाकुर द्वार, चल रही है कथा अब भी, ढल रही है कथा अब भी, फूल आते फूल जाते बेल सा मुझ पर चढ़ा संसार, फूल आते फूल जाते बेल सा मुझ पर चढ़ा संसार, हाथ साकल तक पहुंच कर रह गया ठिठका, किस कथा की भी कथा के व्योम में छिटका, फूल आते फूल जाते बेल सा मुझ पर चढ़ा संसार, कहाँ किसकी कथा कैसी कहाँ ठाकुर द्वार। एक अतीत सुमिरन, अतीत के सुमिरन की है ये। एक और सुन लीजिए, परिदृश्य, अकेला मेला, गोद लिए सन्नाटा, अपनी गोद में सन्नाटे को लिए हुए, घर की देहरी, गोद लिए सन्नाटा देहरी मूग, अकेला मेला, अकेला मेला, नाम में ही विरोधाभास लग रहा है, लेकिन जी कितने कि इस बात को किसी और तरह से कह सकते हैं आप, अकेला मेला ये हकीकत है। गोद लिए सन्नाटा देहरी मूग, अकेला मेला, धूप धूल तारों की, पता नहीं यह किसका घर है, किसका खंडहर, लहर ले रहा है समुद्र पत्थर का, बस इतना ही जुड़ा और इतना ही बिखरा, झूल रहा हूं तार तार में, आर पार अपने ही चौतरफा बिखरे आलों से झांक रहा है बचपन।